श्रीजुक्त मंदरधर साहू जणे आध्यात्मिक चेतना संपन्न बहुमुखी प्रतिभा सृजनशील लेखक तांकर प्रति लेखा रे आध्यात्मिक चेतना भरपूर अनेक प्रकार लेखनी माध्यम रे लेखा प्रकाश करी से जनमानस एक सुंदर प्रतिछवि आंकि पारिछन्ते। सांप्रतिक आधुनिक समाज आध्यात्मवादर जरूरी दर्शाए तांकर प्रतिटी लेखा रे महिमामंडित भगवान कर अजस्र जनाण परिवेशित होइछे। से निजे ही निजर सुंदर परिचय दे पारिछन्ते आध्यात्मिकवादी चिंताधारा माध्यम रे। एजावत तांकर अनेक पुस्तक मध्ये शिवतत्व प्रश्नोत्तर प्रबोध एवं आहुरी किछि जहाँ जंत्रस्थ अपेक्षार अच्छी एवं निकट भविष्य प्रकाशित होगा जाऊँगी एक निर परिचय बहन करे। ईश्वर करतु यही महिमामंडित महनीय लेखक आहुरी आगे चलतु तांकर प्रतिटी लेखा जहाँ आलोचित न होइछि आशा प्रतीक संवादपत्र आशा प्रतीक न्यूज टीवी माध्यम जो प्रयास कर निश्चित सफल हेब से दीर्घजीवी हूँ तांकर परिणत बयस आहुरी जशस्वी हूँ। आपण लेखिबा को कौन पई भल पांती? बहुत कवि बहुत प्रकार लेखा पढ़वार मो मनस्थ कले मुझे लेखी से आशाटा मोर के पूरण हम धीरे धीरे लेखि लेखि शेष गीता भागवत इत्यादि सब पाठ कर जहाँ बुझी ताकू मो भागवत मनर भावना हिसाब से तार निश्चित भावटा व्यक्त करने मु प्रबल इच्छुक है तेणु ताको विभिन्न प्रकार भाषा रे रूपांतरित करछि। आउ साहित्य दिगरे पिला दिन रु मोर बहुत आग्रह साहित्य दिगरे गीत लेखिबा बाजा बजेबा नाटक करिबा इत्यादि गाइबा भजन कीर्तन सबुथरे पिला दिन रु ए तत्व आसी भारी एमे लेखा पढ़िया एबे सुधा आउ से बाजा बजेबा इत्यादि इत्यादि सब छाड़देले आउ बड़ ना एबे लेखापढ़ा सुधा एबे जिते जमी भाविले जोटा भावु आस देखे लेखु। आपण भक्ति कविता जनाण बहुत परिमाण में लेखुं ये आध्यात्मिक चेतना जनमानस प्रकाश करने आपति अनुभव करती? आध्यात्मिक चेतना मनुष्यर मूल कर्तव्य हूँ आध्यात्मिक चेतना जी जाए पूर्ण मात्रा जाने अनुभव करे मृत्यु पर से व्यक्ति निश्चित पूर्ण मनुष्य जन्म लाभ करे। यहाँ भागवत गीता पढ़ी से मर्म मुझे बुझला आध्यात्मिक चेतनार भावधारा गुड़ाक मु सठिक सठिक भगवान तत्व को लेकर केते गुड़ाए भाषा लिपिबद्ध कर बहुत जनाण अच्छी भजन लिखी चुखी राग चौपदी चंद्रिकार केतुड़े लेखा सन्निवेशित आध्यात्मिक चेतना जो व्यक्तिर न थाए से व्यक्ति मरले पुणी मनुष्य जन्म पाइब किसी ग्यारंटी ना से निश्चितता ना आध्यात्मिक चेतनार जीवापाई प्रति मनुष्य आम जो बंचे आध्यात्मिक चेतना मान नाक जो निश्वास प्रश्वासटा आपे आपे दिन राति जाऊँगी आसुची से पवन अधीन देह अच्छी पवन पाई कौन काम करा जाए पारे ताहा ही जानिबा होची आध्यात्मिक चेतना। आपण आत्मीय स्वजन परिवार गहन रे ए जो परिपक्व वयस रे शांति पाउछन्ति आपण को सृजनशीलता रे सेतिपई आपण केमिति अनुभव करछन्ति आध्यात्मिक चेतना सहित पारिवारिक जीवन एवं सृजनशील जीवन ए सब भितरे केमिति शांति अनुभव करछन्ति? निजे पारिवारिक संस्था बुड़ी रही
भागवत पढ़वर बुझी संसार लोक मत थी स्वभाव कर्मटी कर मुख्य धर्म एणे खंडई भव संसार पुत्र कन्या स्त्री समस्त गहन में थी सांगसाथी समस्त गहन में थी आध्यात्मिक चेतना पाई काम करे जी आत्मा पाई काम करा जाए आध्यात्मिक चेतना आत्मा जो आत्मा जो आम बंचे कौन कम करा पारे जी कै सी हूँ आध्यात्मिक चेतना सी हूँ सकल भट्ट नारायण जो लेखाई भागवत सी हूँ श्री नारायण ताकू जाणवा कौन कम करे निश्चितता होगा से गुरु ज्ञान गुरु से ज्ञान दत्त कलापर किए संपूर्ण जापे सी सफलता लाभ कै जदि जा न पारे तफलता जीवन पुणी स्वान सुगा बाजी गजे एमती नाना जमी भजे भागवत प्रमाण करश्चित उपर जावाई गुरु निर्देश को अक्षर अक्षर जे पालन करे से ठीक बाटे बाटोई हुए बर्तमान साहित्य आपण कौन अनुभव करम ओडिया साहित्यर बर्तमान परिवेश एवं सांप्रतिक परिस्थिति ए संपर्क रे मतामत किसी संक्षिप्त रूप प्रकाश करेंगे बर्तमान साहित्य जो चली मो मत धान कुटा एवं धान बदल चषु कुटा ये दिन बहुत चषु कुटा तो किसी फल मिले धान कुटिले चाउल मिल तेणु बर्तमान जो साहित्य हम तार भाषा भाव शब्दार्थ मिलन पदच्छेद जतिपात जमक किसी ना कि भाव ना जहाँ को जमी आसला जहाँ को भागवत जहाँ को जेमत आसई से भाव वेद अभ्यास एणु प्रकृति भिन्न मत अर्थ न जानती समस्ते केहू पाषाण मत जाणी कुतर्क खंडे के बकाणी एमते अनेक प्रकार वेद भी चारती संसारे भागवत भी एक किपर प्रमाण कर आधुनिक साहित्य जो मैंने जाऊँगी पुरातन साहित्य भितर पुरातन साहित्य जत्पात जनक अच्छी पदच्छेद अच्छी अर्थ निश्चित भाव निविड़ता भाव में जड़ित हो अर्थटा गीत सागर रही आधुनिक कवलता से किसी ना आपण को जीवन र आशा एवं अवशोष ए दुईटी संपर्क में किसी कहतु पादिन मोर गोटे मनोभाव जग्रत है विभिन्न कवि भाषा पढ़ापर जानापर मुझे गोटे कवि है निजे लिखी मो लेखा विभिन्न लोक पढ़े मो लेखा जानवे एणु मुतिपाई भगवान शरणापन्न हो लेखा करी ओडिशा रे जिते कवि अच्छा मो लेखाटा कहारी भाषा सांगे समान कर मोर स्वतंत्र भाषा स्वतंत्र भाव देखे लिखिली तेणु प्राय पाला गायक मो लेखा को बेस आग्रह कर पढ़ती आध्यात्मिक तत्व जीवापी एटा जन्मगत स्वभाव मोर मु बंची मरलापर पुणी मो निश्चय जन्म पाइबि बोली ग्यारंटी कौन ये भावनाटा जोबले मो मन को आसला कौन कले मनुष्य जन्म पाइबे से अनुसंधान करी शास्त्र जो पारि मुझे बहुत आनंद रही सीटा खोजा हूँ मनुष्य कर्तव्य जो मनुष्य जो मरीगले मनुष्य जन्म पाइब यहपर ग्यारंटी किसी ना यहाँ कौन भेन्दी भेजी की जहनी भेजी नुह पोतले पुणी भेन्दी जहनी फल मनुष्य जीवनटा से नुहे कौन कले मनुष्य जन्म पाइब गुरु निर्देश क्रमे से ज्ञान को जानवाटा निहाती आवश्यक से जन को गुरु कर ज्ञान में जा तत्वज्ञान पर भी लेखा लिखिले मो जीवन कौन सी अवशेष मुझे सन्देह ना निसंदेह जीवन जापन मुझे जानी
जे शरीर तो रही मुझे पुणी नुआ शरीर होसबी कौटे आसबी कौन है से कथाटा जिन जापर मृत्यु पर कौटे जन्म है यहाँ भगवान को प्रार्थना कै मुझे जानापी इच्छा करूँ ताको संपूर्ण मात्र बोधगम हो पारिना सत्यनारायण पूजा करुच्च विषय मो मन में गोटे धारणा आसला जे वनपक्षी मयूर उच्छ गुच्छाट को नारायण रूप स्थापना कर वन पशु कामरी गाई रागरे तार पूजा सेवा करते पशु पक्षी को ठाकुर कर पशु जरिया कहीं सेवा कर कारण कौन ये सन्देह मन आसवर ताको मो भाषा परिणत कली लिखिली दुखी रागरे कहूँ से पदटा अरण्य पक्षी मयूर पुछ रघुछ कुनर जत्नेश जाई ठाकुर पीठे वसाई बण पशु चामीर चाम मंडित कर पूजा अर्चना आत्मार संकेत दे श्वास पंचरंगी चंद्रिका श्वास पंचभंगी गति चामर पका ये श्वास जो समस्त नाश जाऊ श्वासक्रिया पांचटा रंग अच्छी शास्त्र प्रमाण कल आपश्वत क्षितिपित रक्तवर्ण हुतासन मरुत नीलधिमुत आकाश भूरीवर्ण ये पांच वर्ण श्वासक्रिय समस्त चलुच्छे ये श्वासक्रिय पांचटा रंग जदि श्वासक्रिया पांच प्रकार हूँ अष्टांगुल बहजवायु अनल चतुरांगुल द्वादशांगुल माहेय षोड़शांगुल वारुण नभव हति संक्रमे श्वासक्रिया क्रम श्वासक्रियार गति अलग श्वासक्रियार रंग हूँ अलग ये लेकिन सत्यनारायण पूजा करूँगी भागवत सफल घटे नारायण सब मनुष्य देह नारायण अच्छा ताले से नारायण पूजाटा चाम आयपुच्छ मध्यम तार संकेत दिया सेटा प्रकृत नुह प्रतिघट जो नारायण से प्रकृत गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। यार ओडिया आला रजगुण सृष्टिकर्ता पूरक वायु अटेता विष्णु सत्व गुण अटे कुंभक वायु शिवतम गुण युक्त रेचक वायु निश्चिंत ब्रह्मा विश्व शिव प्रति जीवर आयु त्रिदेव एकत्र होइले प्रकट ब्रह्म ज्योति स्वरूप भले रेचक पूरक कुंभक ये तीन वायु को जी एकत्र करे ब्रह्म दर्शन करे से मुक्ति मार्गर पथिक हुए मुक्ति लाभ करे समस्त शरीर में भगवान अच्छा समस्त मुक्तकामी व्यक्ति जो माने से या जरिया रेचक पूरक कुंभक को लेकर साधन कर एक करी पारिले निश्चित मुक्ति लाभ करे मुक्ति लाभ करले मनुष्य ही मनुष्य पुणी जन्म होगा।